नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज का समाचार। आज का समाचार यानी दिन भर की सारी बड़ी खबरें होंगी, लेकिन बहुत सारी नहीं होंगी बल्कि सिर्फ जरूरी खबरें। यहां आपको एक ही खबर बार बार नहीं दिखाई जाएगी, लेकिन सबसे तेज और सबसे ताजा खबर की संपूर्ण गारंटी जरूर मिलेगी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बिहार की इस वक्त की बड़ी राजनीतिक खबर से। मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में नीतीश कुमार की सरकार से समर्थन वापस लेने की मांग की है। गिरिराज सिंह ने 17 जुलाई के एक ट्वीट को रीट्वीट किया है और इस ट्वीट में नीतीश कुमार से गठबंधन तोड़ने की मांग की गई थी। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने गठबंधन तोड़ने वाले ट्वीट को रीट्वीट करने के बाद जी मीडिया से खास बातचीत में कहा कि गठबंधन तोड़ने के मामले में वो कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करते हैं। और सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं जिसे गिरिराज सिंह ने रीट्वीट किया है। उन्होंने कहा अपने ट्वीट में कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करता हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से आरएसएस की सभी शाखाओं की जांच का आदेश दिया है, इस अपमान के लिए गठबंधन खत्म किया जाए ताकि कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रहे। क्या मायने होंगे इसके आने वाली बिहार की राजनीति में, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब सुनिए, जब जी न्यूज संवाददाता ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा। आपने कल एक ट्वीट को रीट्वीट किया जिसमें कहा गया था कि बिहार के हालात को देखते हुए जदयू से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए। हमारे समर्थकों ने और उनकी भावना, जब समर्थकों की भावना में ये लगे कि हमारा मातृ संगठन आरएसएस है, आखिर आरएसएस के ऊपर ये क्यों खुफिया तंत्र को लगाया गया, इससे पूरे कार्यकर्ता आहत, तो उन्होंने ट्वीट किया। तो स्वाभाविक है, कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान करना मेरा फर्ज बनता है। और इस वक्त मेरे सहयोगी ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, 60 सेकंड में बताइएगा, चुनाव नतीजों के बाद से ही दोनों दलों में तल्खी देखने को मिल रही है, तो क्या गिरिराज के रीट्वीट से ये माना जाए कि दोनों पार्टियों में टूट की शुरुआत हो गई है? देखिये बिल्कुल पयोधी, और इस जो खुफिया जानकारी इकट्ठा करने वाली जो चिट्ठी निकली थी बिहार सरकार की तरफ से, उसने आग में घी का काम किया है। और निश्चित रूप से जो एक दूरी थी वो बढ़ रही है, और जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने रीट्वीट किया है, और सिर्फ गिरिराज सिंह ही नहीं, बीजेपी के तमाम जितने भी यहाँ पे विधायक हैं, मंत्री हैं, उन्होंने साफ कर दिया है कि वो आरएसएस के बारे में न सिर्फ कुछ बोल सकते हैं बल्कि सुन भी नहीं सकते हैं। तो कोई बोल दे, और इस तरीके से जो आग में घी का काम इस लेटर ने किया है, तो निश्चित रूप से दूरियां जो है एक दिख रही थी वो और भी बढ़ने की इसमें आशंका जताई जा रही है। पयोधी, ठीक है ब्रजेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि अगली खबर पर भी आपका रुख करेंगे। तो अब देखना होगा कि बिहार की जो राजनीति है, सियासी समीकरण कहां पर जाते हैं। अगली बड़ी खबर भी बिहार से ही है, जहां नीतीश कुमार के सुशासन की पोल खुल रही है। बिहार के छपरा में मॉब लिंचिंग के मामले में 3 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। आरोप यह है कि हिरासत में लिए गए तीनों लोगों ने कल रात मवेशी चोरी के आरोप में 3 लोगों को पकड़कर पीटा, और इतनी बुरी तरह से पीटा भीड़ के साथ मिलकर कि उनकी मौत हो गई। 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक ने अस्पताल में जाते वक्त दम तोड़ दिया। वारदात के बाद से इलाके में तनाव है, बड़ी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया है। बिहार के मॉब लिंचिंग की घटना आज लोकसभा में भी उठाई गई। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में मॉब लिंचिंग के मामले में सरकार पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया। ओवैसी ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक कानून क्यों नहीं बनाया गया है। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक मॉब लिंचिंग पर कानून बनाइए, आप क्यों नहीं बनाते सर? आज बिहार में हुआ सर, और सर आखिर में तबरेज अंसारी को मारा गया। मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाइए सर। मैं आपके जरिए से होम मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि एक फ्रैंकनस्टाइन खड़ा हुआ है, आपको किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना पड़ेगा। ब्रजेश, 60 सेकंड में बताइएगा, क्योंकि इस घटना के बाद से सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है, तो ऐसे में बिहार सरकार की तरफ से इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
देखिए अभी तीन लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया गया है पयोधी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके से घटनाएं जो बढ़ रही है उसका सीधा सा संदेश यही है कि बिहार में जो कानून का एक डर होता है, खौफ होता है, वो लोगों के दिलों से निकल रहा है और लोग कानून अपने हाथ में ले रहे हैं। और जैसे ओवैसी ने कहा कि एक संगठन पे आप रोक लगाइए, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। और जिस तरीके से लोग कानून पर, क्योंकि आज ही पयोधी बिहार में तीन जगहों पर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, छपरा में, वैशाली में और आरा में, जिसमें आरा में भी एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़के की चोर कहकर पिटाई हुई है, और छपरा में भी एक बैंक लूटने, ग्राहक सेवा केंद्र है वहां लूटने गए थे, जहां पे दो लोगों की पिटाई हुई जिसमें एक की अभी तुरंत में मौत हुई है। तो फिलहाल इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है और आरजेडी ने एक कमेटी बैठाई है जो 20 तारीख को वो जाएगी छपरा में जांच करने के लिए। पयोधी बिल्कुल ब्रजेश, क्योंकि यूपी में इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात हो रही है, अब क्योंकि ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं इसलिए अब सरकार से मांग हो रही है कि इसके खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए। फटाफट आगे बढ़ते हैं, बिहार के बाद यूपी की बात करेंगे जहां सोनभद्र मामले में खूब सियासत हो रही है। सोनभद्र के पीड़ितों से मिलने के लिए रॉबर्ट्सगंज जा रही प्रियंका वाड्रा ने वापस लौटने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस महासचिव अभी भी चुनार गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। इससे पहले प्रियंका वाड्रा ने आज वाराणसी के बीएचयू में कुछ घायलों से मुलाकात भी की और वहां से सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज के लिए निकल पड़ी, जहां के अस्पताल में कई घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन प्रियंका को सोनभद्र की सीमा पर ही हिरासत में ले लिया गया, हालांकि यूपी के डीजीपी ने हिरासत की खबरों से इनकार किया है। इसी बीच यूपी सरकार ने सोनभद्र में हुई 10 लोगों की हत्या के मामले में दो कमेटियों का गठन किया है जो 10 दिनों के भीतर सरकार को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। इस मामले में अब तक 29 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, 78 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। ऐसे ही कह के कि ऊपर से फोन आया कि आपको रोका गया है, तो फिर मैं बैठी हूँ कि मुझे कुछ दिखा तो दे, कुछ ऑर्डर दिखा दे, कानून क्या है। मुझे बनारस से मिर्जापुर जाने के से रोका है तो किस आधार पर रोका, यही पूछ रही हूँ। इस पूरे प्रकरण की तह में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहली बात यह थी कि ग्राम पंचायत की भूमि 1955 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वहां के स्थानीय नागरिकों के हक को हड़पने के लिए एक आदर्श सोसाइटी का गठन करते हुए उसके नाम पर इस भूमि को दर्ज कर दिया गया। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, 60 सेकंड है आपके पास भी, आप ये बताइए कि क्या प्रियंका अभी भी चुनार गेस्ट हाउस में है और अगर है तो कब तक वो वहां रहेंगी, क्या अपडेट है इस बाबत? देखिए, प्रियंका गांधी फिलहाल मिर्जापुर में ही है और मिर्जापुर में ही चुनार गेस्ट हाउस आता है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि क्या जो इस जमीन का विवाद था इसके जरिए कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाश रही है उत्तर प्रदेश में। जब इस मामले में कार्रवाई हो गई, 29 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 40 से 50 लोगों पर जो कि अज्ञात है उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जांच कमेटी बैठा दी गई है, 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, तो इस घटना के इतने दिनों बाद प्रियंका गांधी का वहां पर पहुंचना और उसके बाद धरना प्रदर्शन पर बैठना कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े करता है कि इस मुद्दे पर भी कांग्रेस राजनीति कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रियंका गांधी वहां पर कब तक रुकती हैं और क्या ऐसे मुद्दों पर जो कि सीधे जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं इस पर भी राजनीति करना बिल्कुल जायज है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हैं। लेकिन यहां पर कहीं ना कहीं सवाल यूपी सरकार पर भी खड़े होते हैं कि आखिरकार जब यह मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ रहा था तो इस पूरे के पूरे मामले को रोका क्यों नहीं गया। 10 लोगों की मौत हो जाती है, 28 लोग घायल हो जाते हैं, सिर्फ अधिकारियों पर एक्शन ले लेने से काम नहीं हो जाता है, आगे ऐसी घटना ना हो इसको लेकर सरकार क्या करेगी, तो तमाम ऐसी चीजें रही जो कि आज यूपी विधानसभा में भी ये इस पर आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी साझा करने के लिए। अगली बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से ही है, क्योंकि बात करेंगे बीएसपी प्रमुख मायावती की। मायावती ने अपने भाई आनंद कुमार पर आयकर विभाग की छापेमारी को साजिश कहा। मायावती ने आज कहा कि बीजेपी दलितों के खिलाफ साजिश कर रही है जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगी। मायावती ने मांग की है कि राजनीति में आने से पहले बीजेपी नेताओं की संपत्ति कितनी थी और अब कितनी है इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बीजेपी आरएसएस दलितों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती है, दलितों को गुलाम बनाने की साजिश है। और कल ही आयकर विभाग ने मायावती के भाई आनंद कुमार की 400 करोड़ की संपत्ति जब्त की थी। पूरे देश में इन्होंने पार्टी के नाम से अरबों खरबों की संपत्ति दफ्तर के लिए खरीदी है, वो पैसा कहां से आया है उसका भी खुलासा होना चाहिए। ये क्या बेनामी प्रॉपर्टी नहीं है? खास तौर से जो दबे कुचले लोगों को दबाने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। बहन मायावती जी फ्रस्ट्रेशन में है, पहले भ्रष्टाचार करना और फिर उसका राजनीतिकरण करना,
और जो जो एलिगेशंस लग रहे हैं उन पर अपना स्पष्टीकरण दें और एजेंसियों को सहयोग करें। अगर भ्रष्टाचार किया है, गलत काम किया है, तो कानून अपना काम करेगा। बहन मायावती जी, धमकाने की कोशिश न करें या धमकी देने की कोशिश न करें। रविंद्र मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, 60 सेकंड्स आपके पास हैं। आज दूसरी बार मायावती ने बीजेपी पर हमला बोला है, ये डर और बौखलाहट नहीं तो और क्या है? ये जाहिर तौर पर डर भी है, क्योंकि अभी तक 400 करोड़ उसके आगे भी जांच चलेगी और जो संपत्तियां होंगी, बेनामी संपत्ति, बहन जी के भाई, जिसके बारे में वो खुद कह रही है कि बहन के भाई अगर बक्सा नहीं जा रहा तो दूसरे को क्या बक्सा जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने भाई को बचाने की कोशिश। और दूसरी तरफ जो बाई इलेक्शन होने वाले हैं या फिर आगामी विधानसभा चुनाव जो होंगे आने वाले दिनों में, उसमें अपने वोट बैंक यानी दलित वोट बैंक को पुख्ता करने की एक नाकाम कोशिश या फिर अपनी पूरी तरह से कोशिश करने की है। बिल्कुल रविंद्र, सबसे बड़ी बात यह है कि दलित कार्ड खेल देना इस पर भी, इसे कैसे जायज ठहराया जाए? एक जांच हो रही है, उसमें सहयोग करिए। बिल्कुल, देखिए, नाजायज तरीके से संपत्ति अर्जित करना और उसको जायज ठहराना और ये कहना कि दूसरों के पास अरबों की संपत्ति है, इसलिए हमारी बेनामी संपत्ति, हमारी अरबों की जो नाजायज संपत्ति है वो जायज हो जाता, ये कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए। और सीधे तौर पर जिस तरह से दलित कार्ड खेल रही है बाई इलेक्शन और आगामी विधानसभा चुनाव के नजर है उन पर, क्या और संपत्तियां भी जब्त हो सकती है? किसी को चिन्हित किया गया है? देखिए, जांच तो काफी दिनों से चल रही है और सरकार का साफ तौर पर यही कहना किसी को बख्शा नहीं जाएगा। समय नहीं था, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारी जानकारी के लिए। यूपी की एक और खबर आज चर्चा में है, अब उसकी बात करेंगे क्योंकि बात आजम खान की होने वाली है। यूपी सरकार ने रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को भू माफिया घोषित कर दिया है। आजम खान पर रामपुर में जमीनों पर अवैध कब्जे के आरोप है। यूपी सरकार के मुताबिक आजम खान ने रामपुर में अपने मंत्री पद का दुरुपयोग कर किसानों की जमीन हड़प ली और जौहर यूनिवर्सिटी को दे दी। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार भूमाफियाओं की सरकार थी। समाजवादी पार्टी का एक चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। कैसे किसानों की जमीनों को इनके द्वारा कब्जा किया गया है, कैसे दलितों की जमीनों को कब्जा किया गया है, रामपुर उसका दूसरा नमूना। जो कुछ मेरे साथ आज हो रहा है इसे पूरा देश देख रहा है, कोई अंधा नहीं है। कानून के जानने वाले छिल्ली उड़ा रहे हैं, मुझसे हमदर्दी बढ़ रही है, मेरे लिए दुआएं हो रही हैं और लोग मेरी जिंदगी की दुआ कर रहे हैं कि ये नफरत आखिर कहीं ऐसा तो नहीं मेरी जान ले ले। राजीव श्रीवास्तव इस खबर पर मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजीव, 60 सेकंड में बताइएगा कि अब क्योंकि आजम खान को भूमाफिया घोषित किया जा चुका है, तो सरकार का अगला कदम क्या होगा कार्रवाई के तौर पर? देखिए, अभी तो फिलहाल चुकी जो 13 एफआईआर हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, उसके आधार पे जो इनका पोर्टल है यूपी सरकार का, उस पर जो है इनको भूमाफिया में लिस्टेड किया गया है। तो भूमाफिया एक चूंकि एक जियो के आधारित भूमाफिया पे लिस्टिंग है, तो अभी जो एफआईआर हुई है उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, उस पर जांच होगी। उन पर जांच में जो भी जो कंप्लेनेंट हैं, जो 26 किसान हैं जिन्होंने ये आरोप लगाया है कि आजम खान ने और एलियास खान ने, इन दोनों ने जबरदस्ती जमीन हमसे जो है अपने नाम करवाई है जौहर यूनिवर्सिटी के लिए और ये सारी चीज़ें हैं, तो इसकी जाँच होगी। जो भी सत्यता होगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। भू माफिया, चूंकि नंबर ऑफ एफआईआर जो है वो ज़्यादा है, 12-13 एफआईआर हो गई हैं सिर्फ इस जमीन हड़पने के मामले को लेकर के, इसलिए उनको भू माफिया के तौर पे लिस्टेड किया गया है यूपी गवर्नमेंट के पोर्टल में। अब फिलहाल जो एफआईआर है और जो एसआईटी जांच कर रही है, वो सारी जो जांच होगी उस जांच के आधार पे जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद कार्रवाई होगी। जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उसका रुख करेंगे और अपडेट आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया बहुत बहुत इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताए, कर्नाटक से है ये खबर, जहां राज्यपाल के 2 बार अल्टीमेटम देने के बाद भी विधानसभा में विश्वास मत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक के राज्यपाल ने पहले ही विश्वास मत के लिए आज 1:30 बजे का वक्त दिया था, इसके बाद उन्होंने शाम 6 बजे का वक्त दिया, लेकिन अभी तक कर्नाटक में विश्वास मत पर कोई फैसला नहीं हो पाया है, जबकि सरकार की ओर से विश्वास मत के फैसले के लिए सोमवार का वक्त मांगा गया है। जयपाल मेरे सहयोगी हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ चुके हैं। जयपाल, 60 सेकंड आपके पास है, अभी क्या अपडेट है, क्या हो रहा है वहां पर? जी देखिए, लगातार स्पीकर की ओर से बयान आ रहे हैं कि आज सदन की कार्रवाई हम उस फ्लोर टेस्ट के साथ खत्म करना चाहते हैं,
उनकी लगातार इस बात को कह रहे हैं अपने स्थान से, लेकिन जो मौजूद गठबंधन सरकार की के विधायक हैं वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका मानना है कि जब वाजपेयी सरकार ने एक बार अपना ट्रस्ट मोशन पेश किया था उस दौरान ये 6 दिनों तक चली थी ये बहस, तो ऐसे में इस बार इतनी हड़बड़ी क्यों है। दरअसल वो चाहते नहीं है कि आज किसी भी हालत में विश्वास मत पेश हो, वो इस पूरे मामले को सोमवार तक ले जाने चाहते हैं और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ये लगातार दबाव बना रही है कि आज सदन खत्म होने से पहले ये मामला समाप्त हो जाए, लेकिन जो सरकार हैं गठबंधन के लोग हैं वो इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। जद्दोजहद जारी है, अभी सिद्धरमैया बोल रहे हैं, देखना होगा कि ये कितनी देर तक खिंचता है कि आज सदन खत्म होने से पहले ये फ्लोर टेस्ट हो पाता है या सोमवार तक जाता है। और बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है लेकिन सरकार ने सोमवार तक का वक्त मांगा है। अब देखना होगा कि आज का दिन कैसा गुजरता है क्योंकि सुबह से ही ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्यों देश के प्रधानमंत्री ने आम जनता से सुझाव मांगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह में 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। 73वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी 6ठी बार लाल किले की प्राचीर से भाषण देंगे। उन्होंने इस ऐतिहासिक मौके पर होने वाले भाषण के लिए अब लोगों से सुझाव मांगे हैं। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है कि आप 15 अगस्त के भाषण के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव हमें भेज सकते हैं, इसे शामिल करने पर हमें काफी खुशी होगी। लाल किले की प्राचीर से 130 करोड़ भारतीय आपके विचार सुनेंगे। आप नमो ऐप पर बनाए गए ओपन फोरम में अपना सुझाव दे सकते हैं। पहली बार नहीं है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त पर दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे हैं। इससे पहले भी पीएम मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में भी जनता से ही सुझाव मांगे हैं। और चलिए अब आपको बताते हैं कि 7:30 पर हम आपको दिखाएंगे जहां राज्यपाल के 2 बार अल्टीमेटम देने के बाद भी विधानसभा में विश्वास मत पर कोई फैसला नहीं हुआ है, और साथ ही मुसलमानों के मसीहा हैं क्या माफिया, इस पर देखिएगा हमारा अगला बुलेटिन। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।